स्वागत है, दोनों रंगून से आए हैं, बड़े ही रंगीन शाहिद कपूर और कंगना रनौत फिल्मी जगत के इतने ये फुटबॉल का मैच देखने के लिए आई है क्या तू? इधर ऐसा कर रही है, खुश हो रहे हैं, आए हैं, खुश हो रहे हैं तो बैठ के खुश हो ना। अब यहाँ हमारे खेल में एक्सपर्ट होता है और इस एक्सपर्ट का रोल करने के लिए ये रोलर बैठी है संतोष। तुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला है जो आइया कर रही है। हम खुश हैं कि आप हमारा तारुफ करवाएं। ये कहाँ से सीखा? उदरू में होता है। उदरू का पढ़ी तू? अरे हम सब पढ़े हैं, आपको पता नहीं। चल फीता काट, स्टार्ट कर गेम को। देखिए उद्घाटन के लिए कुछ कटवाना होता है, आप एक काम कीजिए शाहिद जी, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त काट लीजिए। कहा कि हमारा अकेले वक्त कटता नहीं है, इतना ऐसा पिक्चर में फ्लर्टिंग लर्टिंग करते हैं, थोड़ा सा कि हमारे साथ कर लेंगे। देखे हुस्न में आप देख लीजिए कंगना जी से हम क्या कम है के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ये क्या तुलना कर रही है, ये कंगना है और तीन चार अंगना है। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं जी। गेम स्टार्ट। ऐसे कैसे स्टार्ट करेगी? चाबी तो मेरे पास है। हाँ मैं कर दूंगी ना ऐसे गुड़ गुड़ फुट 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 कर 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 शुरू कर दूंगी। अच्छा मेरे को पहले से पता था ये औरत पेट्रोल पीती है, तू थोड़ी माइलेज भी दिया कर, मैं तुम्हारी बात पे पानी फेरता हूँ, फ्लश फ्लश करता हूँ मैं। वाह वाह, ओह माय गॉड। हाँ आए हुए हैं। आपको पता है मेरे दादाजी के पास एक घोड़ा हुआ करता था। आप कहेंगे ये मुझे कैसे याद आया, ये घोड़ी जैसा मुंह देख के मुझे याद आ गया। बहुत अच्छा किया शाहिद कपूर साहब, आप आए बहुत अच्छा लगा, आप कंगना जी आई। देखिए ये दो औरतों का मुंह खराब देख के जो करोड़ों लोगों का जो घाटा हुआ, आप दोनों ने कंपनसेट कर दिया, बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है, मैंने पेपर में फोटो देखी। अच्छा पहले मैं देखूँ इतनी सी बेटी कैसे, फिर मैंने आपकी फोटो देखी आप भी इतने थे, फिर मेरी बीवी कहती है होश में देखो पेपर में इतनी फोटो आती, मेरे को अच्छा लगा। मैं कहता हूँ बेटी होगी भगवान आपको खुश रखे, अब टाइम निकाल के शादी कर लो। ए, क्या बोल रहे हैं आप, शादी होती है तो बच्चा होता है? अच्छा नहीं मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का, मुझे मुंबई का प्रोसीजर नहीं पता। इतना बकर बकर करने का शौक है तो एक्सपर्ट का सीट पर बैठ जाइए, आइए बैठिए। एक्सपर्ट तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, मैं आपको बताऊँ आप यकीन नहीं करेंगे। कर लेंगे ना बताओ। नहीं करेंगे। आपको पता है किसी मोहल्ले में किसी के घर पे दाल बन रही हो कुकर में, मैं बाहर से सीटी मार के दाल पका देता हूँ। मैंने आंदोलन चलाया शाहिद साहब कंगना जी, मैंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, ये जो मॉल चलाया है कभी आंदोलन चलाया है? ओए सलंसर जैसे मुंह वाली औरत, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जाते हैं जैसे मॉल में अंडे लेने के लिए और पैसे, देखिए सारा जोर लगता है मुर्गी का, पैसे ले जाते हैं ये मॉल वाले, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो मुर्गी को, मैंने कहा इधर आ, कहते पक पक क्या, मैं कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम्हारा अंडा मिलता है 6 रुपए का, सारा मेहनत तुम्हारी, तुम 6 रुपए का अंडा दे रहे, तुम्हें कुछ मिलता नहीं, तुम मेरे से 5 लो, 1 रुपया मेरे बचेगा, तुम्हारी भी आमदन हो जाएगी। लेकिन मुर्गी पैसे का क्या करेगी? अरे मुर्गी का अपना सर्कल है, उनका किट्टी सर्कल है 10-12 मुर्गियों का। ऐसे क्या बताता हूँ, जैसे मुझे खाने होते रोज 6 अंडे शायद साहब, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ आपकी बॉडी देख के, तो मैंने प्रोटीन मुझे चाहिए, मुझे 6 अंडे खाने, लेकिन मेरे प्रोटीन की वजह से मुर्गी अपना फिगर तो खराब करेगी नहीं। तो वो क्या करती है बाकी मुर्गियों को 3-3 रुपए अंडा दे, मैंने कहा तू मेरे से 5 ले, आगे तू जो मर्जी कर। अच्छा। वो 3-3 का अंडा लेती उनसे और आगे मुर्गी को भी 2 रुपए बचते हैं। मैं
इनको भाभी मैं पता है मैं गाइड भी हूँ अच्छा। मैं दुनिया को घुमाता हूँ अच्छा। मैं बहुत ज्यादा घुमा देता हूँ घूमना जाती हो फ्री में अरे तुम हमको भी घुमा दो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बिल्कुल तुम्हें घुमा दो ऐसा हो सकता मैं तमिल ना घुमाऊँ ये लो चलो भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट आ गए हैं खेल शुरू करो तभी खूबसूरत आदमी देखा ऐसे कैसे बात करेंगे तो ऐसे बात करो मुंह तो तुम्हारा देखने लायक है भी नहीं रुक जाइए आजा आजा मेरी बहन आजा अच्छा आपको पता है सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है पृथ्वी इसके काटती है मेरे को तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को अपने चिप्स खेला शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल पहला सवाल नहीं पहले नहीं आज होएगा आज कोई पहला सवाल पहले नहीं हर बार पहला सवाल पहले पूछा जाता है दूसरे के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों दूसरा सवाल पहली बार पूछो मैं साफ कहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज गंदी औरत और एक्स्ट्रा ट्रिपल एक्स मोटी औरत मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आए सोसाइटी में ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं उसके लिए हम ठीक है तो सबसे पहले दूसरा सवाल आप दोनों बैठे हैं दूसरा सवाल पहले पूछ रहे हैं तो पहले दूसरा सवाल जी पूछिए प्लीज पूछ लीजिए अब कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको पहला है कि दूसरा है मेरी बात सुनो एक जब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो ये सारा एरिया कवर क्यों नहीं करते तुम मैं तुम्हारा ये रेड स्विच दबा के मुंह ऑफ कर दूंगा तुम्हारा मैं किकू साहब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया तुम्हारा इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे पति का हुआ है अगर ये एरिया कवर कर लूंगी तो जो थाईलैंड में टैटू बनाया है ये कैसे दिखेगा आपको पता है ये इसका दूसरा टैटू है थाईलैंड में टैटू बना क्या है ये तीन पत्ती है ये बोतल है बोतल का सिरा नहीं दिखा सकते अच्छा आपको पता है पहले इसने इधर वो बनाया था बिच्छू फिर बड़ी मेहनत करके बनाया एक दिन बिच्छू को घुसाया वो चला गया और अब वो बिच्छू इस सीट पे बैठा हुआ है कब बनाया था खेला शुरू करना है सवाल है मैं एक बात कहने जाता हूँ देखो नहीं एक बात नहीं कहो तुम देखो आप एक पे रुकते कहाँ हैं मुझे एक बात बताओ जब जैसे ये हजार हजार वाले नोट बंद हुए हैं तो ये 200 रुपए वाला मुंह अभी तक कैसे चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया देखो हाथू देखो जब तक इसका इंसल्ट हो रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा मेरी बात सुनो रिंकू भौजी हाँ हमारा करो औरतें दो होट होते हैं लिपस्टिक लगाती इसका एक ही तेरा ऊपर वाला किधर है मेरे को पसंद नहीं आया तेरा चेहरा बिल्कुल भी ज्यादा इधर एक लो घोड़ी लगती नहीं लगती मैंने कहा था घोड़ी अरे बंद कीजिए देखो नहीं नहीं देख पा रहे हैं आपको बता शाहिद साहब ये बहुत मेहनती औरत है ये यहाँ पे काम भी करती है और शादियों का सीजन होता है घोड़ी बन के दूल्हा ऊपर बिठा के ले जाती है बहुत ज्यादा अच्छी है और बदले में कोई डिमांड नहीं चने खिलाओ चाहे घास खिला दो अच्छा इनको भाभी अच्छा मेरे को एक बात समझ नहीं आती सिद्धू साहब वैसे आप कहते हैं कि हमें कुर्सी लेनी देश की सेवा करनी कुर्सी देते आप उठ जाते हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया हम यहाँ गेम खिलाने के लिए आए थे
सवाल बना के आए थे और ये समाज ने हमारे ऊपर दूसरे सवाल खड़े कर दिए। अगर हम घोड़ी हैं तो बताओ हमारा पूंछ कहाँ है? मैं बताता हूँ, ये देखो कहाँ है हमारा पूंछ। ये पूंछ जिसने अपनी मेहनत को दे दी हुई है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। अगर सिद्धू साहब ऑर्डर करे, हमारे माननीय जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं रंगून के बर्मा देश से, वो उधर से है ना, उधर हमारा जीजा जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा मैं एक सेल्फी लेना चाहता हूँ, इधर आओ ना, हम भी आए, इधर आओ, तुम्हारा मुंह आ रहा है। हमारा तो किसी दुनिया के फोन में आएगा ही नहीं, तुम्हारा बुलडोजर टेढ़ा करके ना उस पे फ्लैश लगानी पड़ेगी। अच्छा तुम्हारा पहला सवाल पूरे 12 रुपया के लिए। कितने रुपए के लिए? 12 रुपया। और 13 रुपए का तो उसने कीबोर्ड बजा दिया पीछे। बा, 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 बा। सवाल 12 रुपया के लिए। और आप 12 रुपए जीत के इसको देना, तू रेजर लेना, पहले तो ये साफ कर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं, खेला खेला शुरू ही नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश किया, खेला बहुत शुरू नहीं कर पा रहा है कंगना। अच्छा रोती हुई और भी ज्यादा भयानक लगती है। देखो तुम रो मत, मेरी हंसी निकल जाएगी। जल्दी करो बेटा, मेरी मूंछ निकल रही है। आप लोगों की इजाजत से पहले ये मक्खी आ गया। गुड़ देखा नहीं, मक्खिया के बैठ गई। क्या करेंगे ऐसी जिंदगी। जिसमें मक्खी आके बैठ गया। ऐसा जिंदगी है हमारा। अच्छा मैं एक बात बताऊं तुम्हें भाभी। बात मत बताओ, ये लो। हट हट, ये गलत, ये गुमराह कर रही ऑडियंस को। मक्खी सिर्फ गुड़ पे नहीं बैठती। मक्खी शहद पे बैठती है। नहीं, जो जिन्होंने समझना था समझ गए। अच्छा चलिए सवाल पहला है पूरा 11 रुपया के लिए। 1 रुपये का वक्त बर्बाद हो गया। गुलाबो जरा इतर लगा लो, गुलाबो जरा इतर लगा लो। इस गाने में गुलाबो को इतर लगाने की क्या जरूरत है? आपका ऑप्शन है ए, गुलाबों नहाई नहीं है। बी, गुलाबों को पार्टी में जाना है। सी, गुलाबों का इतर थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, ड्यूटी फ्री से लिया है। या डी, गुलाबों का बीजा नहीं लगा इसलिए गुलाबों इतर लगा रही है। क्या कहेंगी आप? आई थिंक गुलाबों नहाई नहीं है। ए, गुलाबों मेरी बहन थी फिल्म में, वो नहाई है। दूसरा ऑप्शन चूज करो। गुलाबों का इतर काफी सस्ता है, ड्यूटी फ्री। हाँ, ड्यूटी फ्री वाला। हाँ, ड्यूटी फ्री। दुविधा में दोनों सितारे। अच्छा बेटे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पता है ये बात कहना ही चाहते हो तुम। बात रोकना तो चाहते नहीं हो। अरे मैं शायद साहब, मैंने एक बार कैक्टस का पौधा देखा। हाँ। ये बड़ा गंदा लगा, बड़े कांटे होते उसपे। फिर मैंने इसका मुंह देखा, ये 12 घंटे बाद इसकी दाढ़ी आती है। ना वो नहीं चुपता जिसके इसकी दाढ़ी चुपती है। अगर 5-10 मिनट और बोलते रहे अरोड़ा साहब तो मेरी सच में दाढ़ी आ जाएगी। हमारा गेम हो ही नहीं रहा शुरू। गेम हो ही नहीं रहा। ए, बहुत गंदी बातें कर रही हो तुम। इससे ज्यादा गंदा बात शाहिद जी हमसे किए थे एक बार। क्या किया था? किया था, हमको बोले डर्टी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.